और बाथरूम में खून से सनी पति की लाश। 8 साल हुए थे दोनों की लव मैरिज को। आखिर एक कमरा दो लाश की मिस्ट्री क्या है? क्या सुसाइड नोट में कैद है राज? देखिए रिपोर्ट। बेडरूम में बीवी का मर्डर, बाथरूम में पति की मिली लाश, एक कमरा दो लाश, कई सवाल। सुसाइड नोट में कैद सिसकते रिश्ते। लव मैरिज का खौफनाक अंत। 8 साल पहले हुई लव मैरिज, खुशनुमा रिश्ते की कहानी बयां करती ये तस्वीर। लेकिन ये तस्वीर इतनी बदरंग हो जाएगी किसी ने भी नहीं सोचा था। अमित आचार्य और शिखा की जिंदगी कितनी खूबसूरत थी ये तस्वीर बयां कर रही है। लेकिन 8 साल बाद इस कमरे से जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। बेडरूम में शिखा की लाश पड़ी थी और इसी कमरे में अमित की भी लाश मिली बाथरूम में। उज्जैन के बड़नगर थाना इलाके के नयापुरा से सामने आई ये तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। शिखा की गला घोंटकर हत्या की गई, हत्यारा भी इसी कमरे में मौजूद था। बाथरूम में खून फैला हुआ था। अमित ने पहले पत्नी शिखा की हत्या की, उसके बाद बाथरूम में हाथ की नस काट कर सुसाइड किया। बड़नगर में एक मंदिर परिसर में एक फैमिली निवास करती थी, वहीं वो लोग रहते थे। उनका सुबह शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोगों ने पूरी टीम ने टेक्निकल डिटेल के साथ वहां पहुंच के इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। इसमें प्रथम दृष्टया एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें पति ने अपने पत्नी से परेशान होने का कुछ जिक्र किया है। शिखा और अमित ऊपर के कमरे में थे, नीचे परिवार था, मासूम बेटा दादी के पास था। अमित की माँ जब कमरे में आई तो बेटा और बहू की लाश देख कर थक रह गई। आखिर अमित ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? इसके पीछे सिसकते रिश्ते की कहानी थी। कमरे से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मेरी पत्नी शिखा आचार्य ने मेरा और परिवार का जीना हराम कर दिया है। आए दिन लड़ाई करने से मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ। कई बार मैंने और मेरी माँ ने पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए पत्नी को मारकर आत्महत्या कर रहा हूँ। पूर्व में भी थाने पे इनके शिकायत में हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करवाया था परिवार परामर्श में। इसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि पति ने पत्नी का जो है हत्या की, उसके उपरांत स्वयं सुसाइड किया। पुलिस की माने तो परामर्श केंद्र में समझौता भी कराया गया था, लेकिन रिश्तों की अनबन, लव मैरिज का ऐसा खौफनाक द एंड हुआ। प्रेम विवाह की इसमें जानकारी है और काफी साल से 7-8 साल से वहीं रह रहे थे, लेकिन आपसी विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों की जिंदगी में 7 साल का बेटा है, लेकिन इस खौफनाक कदम ने मासूम से माँ बाप का सहारा ही छीन लिया। आखिर क्यों मौत ही आखिरी मंजिल लगी? क्यों खत्म हो गई रिश्तों से मिठास? उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में कोहराम मचा, लाठी डंडे से वार करके जानलेवा हमला किया गया। एक शख्स को छत से नीचे भी आरोपियों ने फेंका। खूनी खेल के पीछे कहानी थी बेवफाई की। पति को खबर लगी थी बीवी अपने प्रेमी के घर में है। पत्नी के प्रेमी के मर्डर की एक खूनी दास्तां और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए, प्रेमी के घर बीवी, मचा कोहराम, लाठी डंडे से हैवानियत का वार, रिश्तों से बेवफाई, पत्नी के प्रेमी का मर्डर। सलाखों में कातिल गुस्सा और इंतकाम इन आरोपियों के दिल में था।
सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हैं कैसे आरोपी पहुंचे, लेकिन ये बाहर की तस्वीर है जिस घर में ये आरोपी पाए गए। वहां पूरे घर का नक्शा ही बिगड़ा था, घर में तोड़फोड़ की गई। सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं बल्कि नंदकुमार पात्रे नाम के शख्स को बेरहमी से पीटा गया। नंदकुमार के घर वालों को भी नहीं बख्शा। अस्पताल में गंभीर हालत में नंदकुमार को लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। ये कत्ल का मामला था बलौदा बाजार के सिमगा थाना इलाके के चंदेरी गांव में। जो हुआ उसकी वजह हैरान करने वाली है। नंदकुमार पात्रे, उसकी माँ और उसके बड़े भाई के साथ मारपीट किया गया, जिस पर दोनों को काफी गंभीर चोट आई थी। बड़े भाई को छत पर फेंक दिया गया था। जब हॉस्पिटल में जब चेक किया गया तो आरोपी मृत पाया गया है और उसका जो बड़ा भाई काफी गंभीर हालत में था, जिस पर थाना सिमगा में 307, 302 और मामला पंजीबद्ध किया गया। कहानी रिश्तों से बेवफाई की। हमले के बाद आरोपी परिवार मुंगेली फरार हो गया था। सिमगा थाना पुलिस मुंगेली रवाना हुई। आखिर नंदकुमार के घर में कोहराम क्यों मचा? दरअसल आरोपी दिलीप कुर्रे परिवार के साथ पत्नी को घर वापस ले जाने के लिए आया था। पूछताछ में ये बात सामने आई कि दिलीप की पत्नी ससुराल छोड़कर अपने प्रेमी के घर चंदेरी गांव आ गई थी। प्रेमी के घर ही वो रह रही थी। इस बात से ससुराल वाले नाराज थे। विवाह पश्चात वो अपने जो प्रेमी नंदकुमार पात्रे के साथ ही रहने लगी थी, जिस पर आरोपी और उसके परिजन उसको समझाइश देने के लिए आए हुए थे। रात को जब आया तो दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ। विवाद होने के पश्चात दिलीप कुर्रे उनके जो परिजन द्वारा उसके जो प्रेमी नंदकुमार पात्रे उसकी माँ और उसके बड़े भाई के साथ मारपीट किया गया, जिस पर दोनों को काफी गंभीर चोट आई थी। आरोपी दिलीप पत्नी के प्रेमी के घर आया, साथ में परिवार भी था। माहौल ऐसा बिगड़ा कि विवाद को खूनी शक्ल अख्तियार करते देर न लगी। प्रेमी के घर में ही रखे लाठी डंडे से वार करके पत्नी के प्रेमी और प्रेमी के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। और इसमें एक विशेष टीम गठित करके आरोपी पति साजी की गई, जिसमें आरोपी जो दिलीप कुर्रे है वो मुंगेली का रहने वाला पाया गया था। उसके जो अन्य जो रिलेटिव थे उनके भी गिरफ्तारी की गई है। कुल इस प्रकरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बलौदा बाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीमेंट फैक्ट्री में रोजाना की तरह पावर यूनिट के हेड आए। सुबह का वक्त था, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल दहला देने वाली थी। फैक्ट्री में पावर यूनिट के हेड की हत्या कर दी गई। हथौड़े से वार करने वाला वो हत्यारा मिल गया है। शर्ट में कैद है कातिल का राज। इस सीमेंट फैक्ट्री में जो खूनी खेल खेला गया वो दिल दहलाने वाला है। पीछे से शख्स पर वार किया गया। दुर्ग के जामुल थाना इलाके में सीमेंट फैक्ट्री में पावर यूनिट के हेड बाला राजू राव की बहरहमी से हत्या कर दी गई। हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। वार्ड नंबर 15 राजीव नगर के रहने वाले बाला राजा राव रोजाना की तरह फैक्ट्री आए। सुबह का वक्त था। उसके बाद जख्मी हालत में उनका मिलना, इस कत्ल में क्या किसी रंजिश की कहानी है? हमलावर कोई बाहरी है या फिर फैक्ट्री का कोई कर्मचारी? जिस तरह से वहाँ क्राइम सीन था उससे स्पष्ट ये हो गया था कि ये जो मामला है वो हत्या का मामला प्रतीत होता है। बाद में चूंकि मृतक जो था वो HOD था अपने डिपार्टमेंट का, तो उनके माथा जितने लोग काम कर रहे थे उनसे पृथक पृथक बयान लिया गया, उनसे संवाद किया गया और घटना के दरमियान उनकी उपस्थिति को पूछा गया और एक्टिविटी को भी उनसे बारीकी से पूछताछ की गई। सीन ऑफ क्राइम इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था, लेकिन इंतकाम किस बात का? इस बीच कर्मचारियों से पूछताछ हुई। आखिरी बार कौन कौन बाला राजू राव के साथ नजर आया था? 4 लोग पुलिस के शक के दायरे में थे जिनसे पूछताछ हुई। इस बीच एक और बात पुलिस को पता चली, बाला राजू राव के अंडर काम करने वाला एक कर्मचारी उनसे बदला लेना चाहता था। जीरोइंग करने के माध्यम से एक चीज पता चला कि एक व्यक्ति है जो CHP में कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में काम करता है, जो उनके माथा काम करता है, वो पहले से इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की या मृत्यु कारित करने की अब वो रखता था, एक आशा रखता था, अपेक्षा रखता था। तो उसने फिर इस घटना को जो 15 मिनट का समय था जब मृतक ब्रीफिंग कर रहा था उस बीच में इस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो कर्मचारी निकला CHP का प्रमुख संजय तिवारी, जिसने फैक्ट्री में फुटपाथ से गुजर रहे बाला राजू राव पर हथौड़े से
ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद अपने गुनाह को छिपाने के लिए शर्ट के दाग को धोया, फिर लंच का बहाना बनाकर घर आया और कपड़े बदले। अभी हमारे हिरासत में एक व्यक्ति है जिसने अपना कन्फेशन कबूल कर लिया है, कन्फेशन किया उसने, कबूल किया है। दरअसल एचओडी बाला राजू राव की डांट फटकार से संजय तिवारी प्रताड़ित हो गया था। आरोपी के मुताबिक वारदात वाले दिन उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई, डांटा भी गया, जिसका बदला थी ये वारदात। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस रेलवे ट्रैक का मंजर बेहद खौफनाक था। ट्रैक पर चार लाशें मिली, चारों लाशें एक ही परिवार की थीं, पति पत्नी और दो मासूम बेटियों की। आखिर क्यों परिवार ने किया सामूहिक सुसाइड? ये आखिरी अलविदा सबको झंझोर कर गया है। देखिए, ट्रैक से न जाने कितनी ट्रेनें गुजरी होगी, कितने मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन एक परिवार की जिंदगी के सफरनामे का दी एंड इसी ट्रैक पर लिखा गया। जबलपुर की भेड़ाघाट थाना इलाके के इस रेलवे ट्रैक पर सुबह के करीब 10 बजे ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि जिसके बाद सुनाई दी तो परिवार की चीखें। ट्रैक में पटरियों का निरीक्षण कर रहा था, तभी चार लाशें दिखाई दी, 6 साल और 3 महीने की मासूम बच्ची की, एक महिला की और एक आदमी की। पिटोनी रेलवे ट्रैक के पास एक ही परिवार ने सामूहिक सुसाइड किया था। ये लाश थी रेलवे कर्मचारी नरेंद्र चडार, उनकी पत्नी और दो मासूम बेटियों की। ये भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में ग्राम सिहोदा निवासी नरेंद्र चडार, जो रेलवे में ट्रैकमैन का काम करते थे, और इन्होंने आज अपनी पत्नी और दो बच्चियों के साथ भेड़ाघाट बिटौनी रेलवे ट्रैक की अपलाइन पर जाकर आत्महत्या की है। नरेंद्र चडार रेलवे में चौकीदार था, हसमुख और मिलनसार, लोगों की माने तो रात तक सामान्य था। सुसाइड से पहले रात में ऐसा क्या हुआ कि सुबह नरेंद्र ने परिवार के साथ जान देने की ठानी? रेलवे ट्रैक के पास नरेंद्र की बाइक मिली है, की मोटरसाइकिल भी वहीं पास में खेत में खड़ी हुई मिली है, इससे ये समझ में आता है कि इनके द्वारा परिवार के साथ जाकर और सामूहिक आत्महत्या की गई है। इस घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है, हर बिंदु पर इसकी जांच की जा रही है। क्या पारिवारिक कलह सामूहिक सुसाइड की वजह है, या फिर इस परिवार के खामोश होने के पीछे का सच कुछ और है? मौत को गले लगाने से पहले क्या नरेंद्र चडार ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है? क्या मोबाइल से खुलेगा इन चार मौतों का राज? आखिर क्यों रेलवे ट्रैक पर बेपटरी हुई चार जिंदगी? तफ्तीश जारी है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर ऐसे नंबर से आपको कॉल आए तो आप जरा अलर्ट रहिए, कहीं आप भी ठगों के जाल में ना फंस जाएं। इस गैंग ने पाकिस्तान के नंबर से एक महिला को कॉल किया, फिर क्या हुआ? साइबर फ्रॉड से खबरदार करती है, ये रिपोर्ट देखिए। नंबर पाकिस्तान का शिकार छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के थाना भानपुरी की रहने वाली एक महिला, लेकिन इन सब के बीच एक और कनेक्शन आपको बताएंगे। पहले ठगी की इस वारदात के बारे में सुनिए, क्योंकि ऐसा कॉल आपको भी आ सकता है। भानपुरी की रहने वाली फरियादी को 21 अप्रैल की रात करीब 9 बजे अनजान नंबर से कॉल आया। ये कॉल खतरे की घंटी था, पाकिस्तान का नंबर, लेकिन कॉल करने वाले ने खुद को कनाडा का बताया। थाना भानपुरी में आवेदिका के द्वारा आवेदन दिया गया कि पाकिस्तान के नंबर से किसी व्यक्ति ने उन्हें विदेश से सामान पार्सल आने के संबंध में फर्जरी किया। इसके बाद कुछ ही दिन में फरियादी महिला के बैंक अकाउंट से 4,93,000 ठगों ने ठग लिए। फरियादी को जब यह एहसास हुआ कि वो फ्रॉड का शिकार हुई है, तब पुलिस तक ये मामला पहुँचा।
सवाल है कि आखिर ठगी हुई कैसे। दरअसल नटवर लाल ने लालच का जाल बुना था, जिसने कहा था वो कस्टम अधिकारी है, लकी ड्रॉ में महिला के नाम से आईफोन खुला है, 10 लाख रुपए भी महिला ने जीते हैं। सोचिए जरा किस तरह से बिसात बिछाई गई होगी कि महिला को जरा भी शक नहीं हुआ। आरोपी ने आवेदिका से कुल 4,90,000 रुपए की ठगी की, जिसपे अपराध 420 IPC की धारा पंजीबद्ध कर एक स्पेशल टीम बिहार भेजा गया। इसके बाद पार्सल फंसने का झांसा दिया गया, कई किश्तों में रुपए ले लिए गए। जांच हुई तो इस गैंग का ठिकाना बिहार के पटना का निकला। बकायदा पूरा गिरोह इस तरह से फ्रॉड करता है। 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इस गैंग में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बिहार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे मोबाइल पासबुक जब्त किया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। अभी और भी आरोपियों के नाम आए हैं, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। सोचिए ऐसा गिरोह आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल सकता है। सवाल तो ये भी कि ऐसी लालच में फंसना ही क्यों। जगदलपुर में श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबरों का जिक्र करेंगे, सत्ता की बात करते हैं। कुएं में उतरे 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। नागौर थाना के उमरी गांव की घटना है। कुएं में गिरी गाय को बचाने के लिए ग्रामीण उतरे थे, जहरीली गैस की चपेट में आ गए और इसी वजह से तीनों की मौत हो गई। गाय को बचाने कुएं में ये ग्रामीण उतरे थे और इन तीनों की मौत हो गई। जहरीली गैस की वजह से तीनों की मौत होना बताई जा रही है। सतना का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर कुएं में 3 ग्रामीण उतरे। दरअसल गाय को बचाने के चक्कर में ये बड़ा हादसा हो गया। कुएं में गाय गिर गई थी और उसे निकालने के लिए ग्रामीण उतरे थे। ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, यहां पर ग्रामीण गाय को उतारने के लिए निकले, क्या वहां पर कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी कि इनकी जान इन्होंने खुद जोखिम में डाली और गाय को निकालने के लिए पहुंच गए? देखिए मैं बता दूं, ये नागौर थाना क्षेत्र के उमरी गांव का मामला है, जहां पे एक घरेलू गाय कुएं में गिर गई थी, जिसको निकालने के लिए ग्रामीण ही प्रयास करने के लिए कुएं में उतरे और एक 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 कर 3 ग्रामीण जो है कुएं पे नीचे उतरे थे, पर लेकिन जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से तीनों बेहोश हो गए। जब तक उनको रेस्क्यू किया गया तीनों की मौत हो चुकी थी। आनंद खान ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य नागौर में लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है और अभी भी गाय जो है कुएं में है और जिसकी जानकारी मिल रही है कि गाय की भी मौत हो चुकी है, क्योंकि कुएं में घरेलू गैस का जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। नारायणपुर की बात करते हैं, यहां पर नक्सलियों का हमला देखने को मिला। ईरग भट्टी कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया है, रॉकेट लॉन्च करके, रॉकेट लॉन्चर से इन्होंने हमला किया। जवानों को भारी पड़ता देख भाग निकले। हमले में सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए। खेम नारायण, एक बार फिर से इनकी नक्सलियों की कोशिश नाकामयाब साबित हुई है सिर्फ और सिर्फ जवानों की वजह से? जी बिल्कुल रितु, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जो पुलिस और सुरक्षा बल के जवान जंगलों में सर्चिंग अभियान चला रखे हैं और कई सफलताएं मिली हैं, जिसकी बौखलाहट अब जो है दिखाई दे रहा है और नक्सलियों की फिर से एक बार जो है साजिश जो है नाकाम होते दिख रही है। नक्सलियों ने आज जो है कोकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो इरका भट्टी के जो बेस कैंप है सुरक्षा बल के, उसमें फायरिंग की है और रॉकेट लॉन्चर और BGL जैसे हथियारों से जो है लैस नक्सलियों ने जो है यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों पर हमला करने की कोशिश की है। और जब सुरक्षा बल के जवान जवाबी फायरिंग कर रहे थे तो उसके बाद जो है भारी देखकर जो है नक्सली वहां से भाग खड़े हुए थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब आगे बढ़ेंगे, भोपाल का जिक्र करेंगे। हंगामेदार होगा विधानसभा का सत्र। जी हां, कांग्रेस अब उठाएगी नर्सिंग घोटाले का मुद्दा। जल मिशन योजना में गड़बड़ी का मामला भी उठेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने लिखा है कांग्रेस विधायकों को पत्र। पत्र में उनके जिले या विधानसभा क्षेत्र में नर्सिंग होम की स्थिति नियम विरुद्ध संचालित होने की जानकारी फोटो के साथ मांगी है। साथ ही जल मिशन की अनियमितताओं की भी जानकारी मांगी गई है। बता दें, दोनों प्रमुख मामलों को तथ्यों के साथ सदन में उठाने की अब रणनीति कांग्रेस तैयार कर रही है। सरकार को तथ्यों के साथ घेरने की तैयारी में अब विपक्ष पूरी तरह से आ चुका है। तो हंगामेदार होगा विधानसभा का सत्र, क्योंकि विपक्ष एक साथ है और तैयारी में है सरकार को घेरने की। कई सवालों के जवाब उनसे लेने के लिए, कई घोटालों के जवाब सरकार से लेने के लिए एकजुट हुआ है। साथ ही साथ जो है उमंग सिंगार ने यह भी कहा है पत्र लिख करके कार्यकर्ताओं नेताओं को कि जो सबूत इकट्ठा करें, साक्ष्य इकट्ठा करें कि विधानसभा में हम हर एक मुद्दा रख पाए जो आम जन से जुड़ा है, जहां पर घोटाला हुआ है, जहां पर भी परेशानियां हुई हैं, वो हर चीज हम जिम्मेदारी के साथ उठा सके। और इसी पर अब जो है ये सारे मुद्दे लेकर के कांग्रेस जाएगी विधानसभा में और वहां पर हंगामे के पूरे आसार हमें नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, विधानसभा का सत्र अब हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि अब कांग्रेस विपक्ष अब कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, हौसला उनका बना है, अब कई चीजों पर घेरता हुआ विपक्ष नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए देश भर में जिस तरह से इंडिया अलायंस के लिए परिणाम आए हैं उसका रिफ्लेक्शन मध्यप्रदेश में देखा जा रहा है और कांग्रेस के जो नेता है भले ही प्रदेश में करारी हार मिली लेकिन उत्साहित है। उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने सभी विधायकों को पत्र लिखा है और विधायकों से इस बात की जानकारी मांगी है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में या जिले में जल मिशन योजना की क्या स्थिति है और नर्सिंग घोटाले में क्या आपके विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ कॉलेजेस का नाम आया है और अगर आया है तो वहां पर क्या अनियमितताएं थी, इसकी विस्तृत जानकारी तथ्यों के साथ सबूतों के साथ आप पीसीसी में दे या फिर नेता प्रतिपक्ष ऑफिस में दे। इन मुद्दों को लेकर सरकार को तथ्यों के साथ विधानसभा में घेरने का काम किया जाएगा और कांग्रेस ये भी रणनीति बना रही है कि सदन के अंदर तो तथ्य पेश किए ही जाए लेकिन जनता के बीच उतरने के लिए सड़कों पर भी उतरा जाए। तो ये दोनों बातों को लेकर अब विपक्ष घेरने की तैयारी में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।